नौजवानों की उम्मत की रीत की हड्डी है नौजवान, माइन बोन है नौजवान। अब सवाल पैदा होता है, नौजवान कौन? सवाल पैदा होता है, नौजवान कौन? हमारे माशरे में नौजवान है च नहीं, बुढ़ा हुए तक बच्चा, बुढ़ा होगा तो बुढ़ा, जवान कहाँ गया? 30 साल की उम्र में भी गलती करया, बाबा के पास रिपोर्ट गई तो तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी गलती करया, तो फौरन बोलते बच्चा भाई उन्हें, जबकि उसे बच्चा। 40 साल की उम्र में गलती करया, बाप के पास रिपोर्ट गई, अभी बच्चा, माफ कर डालो, बाल सफेद हो गए तो बुड्ढा, जवान कहां गया? इस मजलिस में और उदगीर में बात को बाहर करो, बताओ। ये उलमा का मसला है जो आपके सामने बयान कर रहा हूं। बालिग होने के बाद से लेकर 40 साल की उम्र तक जो है शरीयत के निगाह में वो नौजवान है। बालिग कब होता? अब वो भी पूछो मंजे। अब हमारे सिवा कौन भी बोलने वाला नहीं है। बालिग होने की उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल, तबीयत के तकाजे जैसे होंगे वैसी उम्र में बालिग होते हैं। और आजकल जब से ये शरीफ साहब आए ही ना, बिफोर बालिग हो रहे हैं। शरीफ साहब मालूम कौन? रुबाई। जब से शरीफ साहब आए, हमारे बच्चों का बचपन खतरे में और वक्त से पहले बालिग। साइंस कहती है, डॉक्टरी कहती है, टिप कहता है कि वक्त से पहले अगर बालिग होते हैं तो उनकी जवानी जवानी में नाकाम हो जाती है। पंद्रह साल की उम्र में बालिग, लड़के के लिए यह सही उम्र है। इस उम्र में बच्चा बालिग होगा तो जवानी में जवानी जरूर काम आएगी। अगर 15 साल से पहले खुदा ना खास्ता अपने आंखों का गलत इस्तेमाल करके अगर वो बालिग होता है, या हाथों का गलत इस्तेमाल करके बालिग होता है, तो जवानी में उसकी जवानी नाकाम हो जाती है। आप, मैं मुसलमान भाइयों को इस मसले में सामने नहीं रखता, मैं इस मुल्क का सच्चा वफादार हूँ, इस मुल्क से मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और ताज्जुब की बात नहीं, हमारे बाप दादाओं ने और उनके बाप दादाओं ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए पसीना नहीं खून दिया है। और इस मुल्क से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले इस मुल्क के मुसलमान हैं। कोई गद्दार कहे, कोई बेवफा कहे, कोई दगाबाज कहे, कोई दहशतगर्द कहे, कोई टेररिस्ट कहे, हमें इससे कोई लेना और देना नहीं है। हमने तो ऐसे इल्जाम को पहले भी सुना, अब भी सुन रहे हैं, आइंदा भी सुनने की हम लोगों को तवक्को है। हम इन बातों को कुछ कहते नहीं। आज इस मसाले में मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मेरे मुल्क के हर बच्चे को सामने रखकर कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर बचाना है, उनकी तबीयत बचाना है, उनकी ताकत बचाना है और उनकी जरूरत बचाना है, तो फिर मेरे दोस्तों आने वाली नस्ल को खुदा का वास्ता देकर कहता हूं कि मोबाइल से बचाओ। हमारे अंकल अजीब अजीब चीजें बन कर रही,
तलाक बन कर रही, नोट बन कर रही, फुला बन कर रही। अगर मुल्क से सच्चा प्यार है, इंटरनेट बंद कर डालो। मैं दुआ करता हूं, अल्लाह सारे आलम से इंटरनेट को बंद फरमा। ये पहला मजमा है जो आमीन बोल रहा है। बड़े मुत्तकी लोग ही तुम लगा, वरना मौलाना नौशाद साहब एक जलसे में 3 मरतबा दुआ कर रहा हूं मैं, अल्लाह इंटरनेट बंद कर, इंटरनेट बंद कर। कौन भी चामीन बोल रहा नहीं, मोबाइल से, नेट से ऐसा ताल्लुक पैदा होगा है, ऐसा ताल्लुक पैदा होगा है। लॉकडाउन से पहले 6 घंटे व्हाट्सएप बंद था, लोगों की सांस बंद होने के करीब आ गई थी। चंद दिनों के बाद और भी ऐसा ताल्लुक पैदा हो जाएगा मोबाइल से, इंटरनेट से, कि खाली 1 दिन 2 दिन के वास्ते इंटरनेट अगर बंद हुआ नहीं, व्हाट्सएप बंद हुआ, फेसबुक बंद हुआ, इंस्टाग्राम बंद हुआ, यूट्यूब बंद हुआ, गूगल बंद, तुम ना कैसा मालूम है रे, मैं भी तुम्हारे ज़माने का आटा बाबा। ये तमाम चीज़ें अगर बंद हो गए नहीं, तो फिर दुनिया में क्या होगा मालूम? करोना में उतने जनाजे नहीं उठे जितना जनाजे नेट के बंद होने के बाद उठेंगे। जनाजा जाता रहेगा, लोग पूछेंगे क्या हुआ भाई, इसका नेट बंद होगा। हरकत खल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल हो गया। ये जुमला सुने नहीं? जब नेट बंद होगा ना, तो तब तस्करे क्या होंगे? अच्छा था भाई, देख ले को बैठा था, नेट बंद हुआ ही नहीं, बंद होगा। अपने बच्चों को मोबाइल से बचाओ, मोबाइल से जवानी खतरे में, उनकी तबीयत खतरे में, उनकी हया खतरे में, उनकी शर्म खतरे में, उनकी इज्जत खतरे में। इंतहा तो ये है कि इसकी वजह से आज हमारी नस्लों का ईमान खतरे में है, ईमान खतरे में। बिल्कुल सामने बैठे ही आपा बोलने भी डर होता। हमारी कौम की माँ और बहनों को मोबाइल से बचाओ, अच्छी नस्लें पैदा होंगी। हमारी कौम की माँ और बहनों को और बच्चियों को मोबाइल से बचाओ, नस्लें अच्छी पैदा होंगी। वही बताने के लिए मैं यहां तक आया। जवान किसे कहते हैं? लड़का 15 साल से जवान होता है, 40 साल तक नौजवान रहता है। इस उम्र में अगर किसी को जवान माने तब भी जवान है, जवान ना माने तब भी जवान है वो। अब मैं नहीं पूछूंगा यहां पर कि इस उम्र के कौन कौन हैं, क्योंकि वर्जिनल हाथों के साथ डुप्लीकेट हाथा भी उठ जाएंगे। बताना चाहेंगे मैं भी जवान हूं। औरत तो अल्लाह बचाना, कितनी बुढ़ी होगी तो भी उन्हें अपने आप को बुढ़ी माने तैयार नहीं।